केंद्र की एनडीए सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के 3 दिन में ही सरकार के खिलाफ बगावत के संकेत मिल रहे हैं। बुधवार को आंध्र प्रदेश और ओडिशा में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और इस दौरान एनडीए की दरार खुलकर सामने आ गई। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र में 2 मंत्री पद मिलने से नाराज हैं। साथ ही मंत्रालयों को लेकर भी उनकी नाराजगी बनी हुई है और इसीलिए वो ना तो चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में गए और ना ही मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने को भी तैयार नहीं है, जिस कारण से उन्होंने इन कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। इसके साथ ही एनसीपी चीफ अजित पवार भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अजित पवार की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं और इसका असर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिखाई दिया। वैसे चंद्रबाबू नायडू ने भी बीजेपी को सबक सिखा दिया है। बीजेपी ने 16 सांसदों वाली टीडीपी को केंद्र सरकार में सिर्फ 2 मंत्री पद दिए हैं, तो नायडू ने भी आंध्र प्रदेश में 8 विधायकों वाली बीजेपी को 1 ही मंत्री पद दिया है, जबकि बीजेपी की तरफ से 2 मंत्री पद मांगे गए थे। जिस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, उससे मोदी सरकार ही संकट में दिखाई दे रही है। अगर टीडीपी और जेडीयू मोदी सरकार से अलग हो जाते हैं तो ये सरकार संसद के पहले ही सत्र में गिर जाएगी। चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी पहली बार केरल के दौरे पर हैं। राहुल ने जीत के बाद उत्तरी केरल में एक रोड शो किया। राहुल के रोड शो में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में यूडीएफ के कार्यकर्ता और समर्थक एकत्रित हुए, जिसके बाद उन्होंने मलप्पुरम और वायनाड में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने वायनाड के सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया। इस दौरान राहुल ने कहा, वायनाड सीट छोड़ू या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है। मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, मैं साधारण मनुष्य हूँ। वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा। मेरे लिए देश की गरीब जनता ही मेरी भगवान है। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी को बताया है कि संविधान हमारी आवाज है और वो इसको छू नहीं सकते हैं। देश की जनता ने पीएम को बताया कि वो तानाशाही नहीं कर सकते हैं। जब चुनाव शुरू हुआ तो बीजेपी का समर्थन करने वाली मीडिया ने कहा कि बीजेपी को 400 सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री 400 पार कह रहे थे, उनके सभी वरिष्ठ नेता 400 पार कह रहे थे। 1 महीने के बाद वो 300 पार कहने लगे, कुछ समय बाद 200 पार और सभी ने चुनाव का परिणाम देखा। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं था। इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरी मीडिया था, सीबीआई, ईडी और पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ था। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के अनुकूल चुनाव की रूपरेखा तैयार की। तमाम प्रयासों के बाद भी प्रधानमंत्री वाराणसी में हार से बमुश्किल बच पाए। भाजपा अयोध्या तक में एनडीए के बिखरने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब आरएसएस ने इस पर मुहर भी लगा दी है। महाराष्ट्र में जहां शिंदे गुट की शिवसेना से लेकर एनसीपी अजित गुट तक बीजेपी से अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, तो वहीं आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपे लेख ने इस श्रृंगारी को हवा दे दिया है। पत्रिका में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में अजित गुट के साथ गठबंधन करके बीजेपी को नुकसान हुआ है। संघ के स्वयंसेवक रतन शारदा ने सवाल उठाते हुए लिखा कि जब बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत है तो अजित का साथ क्यों लिया। संघ के इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर अजित पवार पहले से ही नाराज हैं और इस नाराजगी के चलते उनकी पार्टी से कोई भी नेता पीएम के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुआ और अब संघ ने ये दूरियां और बढ़ा दी हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि इस पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या महाराष्ट्र में टूट जाएगा एनडीए, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के खिलाफ जमकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर उनकी नाराजगी उनके बयानों में साफ साफ दिखाई दे रही है। महायुति गठबंधन के दोनों ही प्रमुख घटक दलों ने बीजेपी पर एनडीए के अन्य घटक दलों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। शिंदे ने चुनाव में बीजेपी को मिली हार पर कहा कि 400 पार के नारे से पार्टी को चुनाव में नुकसान हुआ, जिसका खामियाजा उन्हें महाराष्ट्र में भी भुगतना पड़ा। शिंदे ने पीएम मोदी के दिए नारे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद अब एनडीए बड़े संकट में दिखाई दे रहा है।